आगामी 19 दिसंबर 2022 से विधानमंडल का नागपुर शीत सत्र अधिवेशन शुरू होगा। अधिवेशन की पूर्व तैयारी और नियोजन को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर गुरुवार को नागपुर में थे, पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि विधान भवन परिसर के लिए जगह की कमी महसूस की जा रही है, इसके लिए आसपास के अतिरिक्त शासकीय जमीनें अधिग्रहित करने पर विचार किया जा रहा है। विधान भवन के ठीक सामने स्थित एन कुमार की अधूरी पड़ी इमारत पर भी चर्चा जारी है। विधान भवन को इस इमारत से जोड़ने के लिए भूमिगत रास्ता बनाने पर भी विचार किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर अगले महीने में बैठक आयोजित कर विचार विमर्श होगा, जिसके बाद सरकार को आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे। मांडलेला मुद्दा रास्ता आहे आणि काही इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आपल्या असेंब्लीच्या किंवा विधिमंडळाच्या आवारात होणं अपेक्षित आहे, विधानभवनाच्या आवारात होणं अपेक्षित आहे। आणि त्याचप्रमाणे आपण जर बघितलं तर आज आम्ही अपग्रेडेशन ऑफ ऑडिओ सिस्टम म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सक्रिप्ट होण्यासंदर्भात ऑडिओ सिस्टम ही विधिमंडळातल्या दोन्ही सभागृहात आपण बसवण्याची गरज आहे याबद्दल शिफारस केली आहे। त्याचप्रमाणे दालनं जी कमी पडत होती ती दालनं पण आपण वाढवण्यासंदर्भातली कारवाई चालू केली आहे। नवीन 11 मंत्र्यांची दालनं पण तिकडे बनवण्यात आली आहे। त्याचप्रमाणे आपण आता बघितलं असेल की जागेची कमतरता असल्यामुळे आपल्याला आता ॲडिशनल स्पेस क्रिएट करायची गरज आहे, त्यामुळे ॲक्विजिशन करून शेजारच्या परिसरात अधिक इमारत उभी करून तिथे सोय करण्यासंदर्भातही चर्चा आज केली गेली। त्याचप्रमाणे आमदार निवास जे आहे तिकडे पण मोठ्या संख्येने आपल्याला दिसून येतं की रिपेअर्सची गरज आहे, त्याची पण डागडुजी आणि रिडेव्हलपमेंटचा विचार आज केला गेला। त्याचप्रमाणे आपण बघितलं तर विधान भवनातील मोठा एक सेंट्रल हॉल जो आपण म्हणतो तशी सोय करण्याची गरज आहे आणि त्याचं पण प्रस्तावित आहे काम, ते पण आपण येणाऱ्या काळात अधिक वेगाने करणार आहोत। त्यामुळे नागपूर विधानभवनमधल्या ज्या सुविधाची कमतरता आपल्याला आज जाणवून येते त्या सगळ्या सुविधांना आपण येणाऱ्या काळात प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर त्या पूर्ण करण्यासंदर्भातली कारवाई करणार आहोत। 19 दिसंबर से अधिवेशन शुरू होगा, अभी तय नहीं है कि कितने दिन का अधिवेशन होगा। विधानमंडल कामकाज सलाहकार की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार से कामकाज का स्वरूप मिलने के बाद यह तय होगा। कोशिश करेंगे कि ज्यादा नए जमीनों से ज्यादा समय तक नागपुर में अधिवेशन हो। उन्होंने कहा, विचार की विधान भवन में अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। परिसर में भगवान के सेंट्रल हॉल बनाने और दोनों सभागृह के ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा। पिछले समय मंत्रियों के लिए कुछ नई कैबिन बनाई गई है। कैमरा पर्सन सुभाष बूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।